गाइस अभी हमने साइकिल चेंज की है क्योंकि मेरी वाली साइकिल से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। वो रही मेरी साइकिल, वो दे बग गया। मैंने उसकी साइकिल चला रहा हूँ, वो मेरी चला रहा है। चल 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 भाई, मुझे पता बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आया क्योंकि अराउंड कोई 2.5 से 3 महीने हो गए कोई व्लॉग नहीं आया, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि घर पे थोड़ा काम चल रहा है, उसके कारण कोई व्लॉग नहीं आएगा। तो करके ये क्या है? अच्छा वैसे ही खड़े हैं ये, जल्दी आ जा। चेन चेन चेन। गाइस वो भीड़ तो लगी थी क्योंकि वहाँ पे एक बकरी फंस गई है कांटों में, वो निकाल रहे थे बेचारे। मेरी साइकिल के पैडल इतनी आवाज़ कर रहे हैं ना, तो हमने साइकिल चेंज कर ली है। देखो मैं उसकी साइकिल चला रहा हूँ, वो मेरी साइकिल चला रहा है। जल्दी आ जा, फ़ोन पे बातें तब बाद में कर ली। उसकी साइकिल बड़ी स्मूथ है, हल्का सा पैडल मारने भी उड़ रही है। अच्छा अच्छा यहाँ से चले या सीधा चले? रोकते हैं यहाँ पे फिलहाल तो। हैं सीधा चल 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 चल, बस कह दे उसको रख दे, एक बार एंजॉय कर लेंगे हमें। बन गई है तेरी वीडियो, कोई बड़ा तगड़ा मौसम है। देखो सनसेट होने वाला है, कितना टाइम हो गया अराउंड कोई 7 बज गए गाइस। ये तो 7 में ट्रेन की पटरियां गाइस, ये देखो देखा नहीं जा रहा गाइस। ये बहुत गंदी चीजें रखते हैं ये ओपन एरिया में ना, मतलब जो भी जो पशु पशु वगैरह होते हैं ना उनकी लाशें फेंक देते हैं भाई, जो पशु पशु होते हैं ना उनकी लाशें फेंक देते हैं ये यहाँ पे। ये सब ओपन एरिया है, वो देखो साइकिल चला रहा हूँ मैं, वो आ रहा है एडा सामने। मैंने तो ही मास्क ऊपर कर लिया, बदबू बहुत गंदी आ रही थी वहाँ से। तो करके आप सामने देखो, वो स्पीड होगी, थोड़ी ढलान थी ना इस तरफ, स्पीड होगी उसके कारण। भाई मुझे थोड़ा सा ना गला खराब है मेरा, कल रात को मैंगो शेक पी लिया था मैंने। गाइस मैं घर पे जाके बताऊंगा आपको आराम से बैठ के फ्रेश होके भी, मैं इतने मतलब दिनों में वीडियो क्यों नहीं आई, क्यों नहीं ब्लॉग आया, आराम से बैठ के बात करेंगे। वो देखो कार रह गया, रुको जूम करके दिखाता हूँ। ये आ रहा, दोस्त के साथ बातें कर रहा है। ओ जल्दी आ जा, सांस चढ़ गई। लेट्स गो लेट्स गो। सनसेट देखो कितना मस्त हो रहा है, शायद दिख नहीं रहा होगा पर रियल में बहुत ही सुंदर लग रहा है। चारा चारा बस थोड़ी सी आगे और जाएंगे, बस थोड़ा सा आगे और उसके बाद घर को वापस। गाइस मैं आसमान की ऊंचाइयों पर, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। जल्दी आया, वो देखो पीछे आ रहा है। और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा। चलें क्या? चले वापस? हाँ ये चलना, थोड़ा आगे थोड़ा आगे चल के आते हैं बस। चलो चलो गाइस थोड़ा सा आगे बस और चल के वापस चलेंगे।
भाई हमने वापस साइकिल चेंज कर ली। उसके बाद साइकिल कंफर्ट तो थी पर ना उसकी काठी बहुत तो ना पतली थी, पीछे से ना ये रीढ़ की हड्डी दर्द होने लग गई उसकी। काफ़ी जो काठी है ना वो पतली थी पर स्मूथ बहुत थी भाई चलने में साइकिल। ये देखो मेरे वाली बहुत आवाज़ कर रही है, आपसे बात करता हूँ ना तो मुझे पैडल रोकने पड़ते हैं, पैडल मुझे रोक के ऐसे करके बात करनी पड़ती है। वो जा रहा है बस वो दुकान तक जाएंगे अराउंड हमारे शहर से हम दूर लगभग आ गए 6 से 7 किलोमीटर दूर आ गए हैं बातें ही बातों में। फिर यहाँ से वापस चलते हैं, ये तो भग गया आगे, ये देखो जा 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 जोर बहुत लग रहा है मेरी वाली साइकिल पे, क्योंकि 2-3 मिनट उसकी साइकिल चलाई ना तो उसकी वाली याद पड़ गई, उसकी साइकिल की आदत पड़ गई मेरी। सूर्य देखो कितना मस्त है, सनसेट होने वाला है, ओ काफी तेज आ रहा है चीचा। ओ भाई 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 बहुत तेज चला रहा है यार, हवा का झोंका देख गया साइकिल ढुल गई ऐसे करके मेरी। भाई इस कंजर ने मेरे को कहा रेस लगाते हैं आजा, तो आगे चल 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 3-2-1 बोलने थे पहले, 3-2-1 आजा, मेरे हाथ में फोन भी है अब चल 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 चल। किसके हैं कहाँ पे हैं दिखे तो थे अभी, मच्छर बहुत है साढ़े 8 मेरे हाथ में फोन है, जोर नहीं लग रहा। सच्ची में आगे भाग गया, ओ भाई सांस चढ़ गई, सांस चढ़ गई मेरे को, वो चला गया आगे। ये देखो जिसके मैं बात कर रहा था, ये देखो भाई हड्डा रोड़ी, ये देख ये देखो, ओहो वो देखो वो जा रहा दरिंदा साला। ओ भाई चलते हैं भाई के काटने ना लग जाए वो बैठा, वो फिर आगे भग गया। गाइस अब जा रहे हैं घर पे, 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता रहेगा, अंधेरा बहुत हो गया है और मेरा जो फ्रेंड था वो तो चला गया, उसको कोई ज़रूरी काम हो गया था, वो अलग हो गया मेरे से। गाइस पहुंच गया हूँ मैं शहर में, ये देखो अभी एंट्री किया था, सॉरी वीडियो मैं बना नहीं पाया, मुझे लगा वीडियो स्टार्ट हो गई है पर वो स्टार्ट ही नहीं हुई चलो अब सीधा घर पे मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइज अभी मैं घर से घर पे पहुँचा ही हूँ, आगे मास्क ही उतारे हैं और फिर से वीडियो बनाने लग पड़ा। तो गाइज तो मैं ये बताना चाहता था भी वीडियो क्यों ब्लॉग क्यों नहीं आया। गाइज मैं ब्लॉग तो नहीं आया क्योंकि लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया ही था अभी घर पे काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हुए हैं और उसके कारण थोड़ा दिक्कत हो रही थी भी ब्लॉग, टाइम नहीं मिल रहा था, सीधी सी बात है आपको पता ही है मिस्त्री लगते हैं तो कितनी खेचल होती है, सामान वगैरह लाना बहुत हो जाता है ठीक है। तो 2-3 महीने से कोई वीडियो ब्लॉग नहीं आया तो उसके कारण ये मिस्त्रियों के कारण ही नहीं मैं ला पाया था। और सेकंड कारण ये था कि मेरे को नेट की बहुत दिक्कत हो रही थी, कम से कम ब्लॉग 11 या 12-13 मिनट का तो होने चाहिए, तो उसके 12 मिनट के ब्लॉग में मेरा मतलब डाटा 2.5 से 3 GB चलाया था तो इतना डाटा भी नहीं था मेरे साथ मेरे पास, इसी के कारण ब्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि नेट नहीं था ना इतना मेरे पास। तो अभी नेट मिलना भी स्टार्ट हो गया है, लॉकडाउन भी लगा था आपको पता है, तो लॉकडाउन के अंदर ही हमने मिस्त्री लगा के काम नक्की कर दिया और नेट वगैरह का कोई काम हो नहीं पा रहा था, किसी इसी से 200 MB ले लिया, इससे ले लिया, ऐसे ऐसे करके वाईफाई से मतलब काम चला रहे थे इतने दिन। और तीसरा कारण सबसे मेन बड़ा कारण गाइस ये था भी मैं 10वीं बोर्ड की मतलब एग्ज़ाम थे, मैं 10वीं क्लास में हूँ तो बोर्ड के एग्ज़ाम थे RBSE के, तो उसके कारण मैं मतलब नहीं टाइम मिल पा रहा था, मतलब इंटरनेट से तो मैं काफ़ी दूर था, 1 महीने तक इंटरनेट के नेड़े नहीं लगा, मतलब फ़ोन वगैरह नॉर्मल तो चलाता ही था
यूट्यूब पे वगैरह वीडियो वीडियो मतलब देखता था, पर बनाता नहीं था वीडियो, टाइम नहीं मिलता था, कोई दिन में घंटा देख लिया बस फ़ोन, और उसके बाद फिर से पढ़ाई कर लो, ये मिस्त्रियों के साथ लग जो ये वो फलाना, बस यही चल रहा था, तो उसके कारण नहीं हो रहा था। तो अभी 10वीं RBSC के एक बार पोस्टपोन हो गए हैं, एग्ज़ाम रुक गए हैं, पर एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, अभी भी उसकी भी तैयारी चल रही है। तो यही था आज के ब्लॉग में, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ठोक देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ठोक देना। अभी ऊपर आया हूँ मैं, ये यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे आया हूँ मैं अपने घर के, तो वो नहीं है, तो ये इसकी फ्लैश ऑन करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइट वगैरह नहीं है ना, अंधेरा ही अंधेरा हुआ पड़े, देखो अंधेरा ही अंधेरा है हर तरफ। तो यही था, ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ठोक देना यार, आपके भाई का चैनल है। और हाँ गाइस, सबसे बड़ी बात, होम टूर आने वाला है, अगर मेरे क्या नाम है इसी अकाउंट में इसी चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो गए ना, तो उसी दिन ही होम टूर आएगा। और मेरा घर रेडी हो गया है, थोड़ा पेंट वेंट रह गया और टाइलें रह गई है, ठीक है, तब तक जब हो ही जाएगा, तो होम टूर फटाफट आएगा, चैनल पे 100 सब्सक्राइबर करने, ठीक है, 100 सब्सक्राइबर होते ही होम टूर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बढ़िया रहना और कोरोना से बचे रहना, ठीक है, तो बाय गाइस।